हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो खाना पीना बन चुका है और सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। और बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, क्या करूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए माफ़ करना। अभी मैं अपने रूटीन में नहीं लौटी हुई हूँ। जैसे ही मैं अपने रूटीन में लौट जाऊँगी, तैसे आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी ब्लॉग शेयर करूँगी। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं दोस्तों। पहले मैं फ्री हुआ करती थी, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं। तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे न्यू दुकान है तो उस पर थोड़ा बहुत समय देना पड़ता है। अभी बेटा हमारा छोटा है, उसको संभालने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पे टाइम देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा कम ही टाइम दे पा रही हूँ। दूंगी टाइम यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारा पेड़ जो हम लोगों के पीछे था ना, हमारे घर के पीछे देख सकते हैं आप लोग, जो लिप्टिस का पेड़ था वो सब कट चुकी है और देखिए छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं इन पेड़ों का। ये जाएगा बेचने, जो लोग लेते हैं इसको बेचते हैं। तो देखिए पूरा घर में एकदम से उजाला उजाला हो गया है पेड़ के कटने की वजह से। और सुबह बहुत अच्छी धूप आती है और ठंडक का मौसम आ गया है, तो धूप तो अच्छी मिलेगी। तो खाना मैं बना चुकी हूँ दोस्तों। देखिए गैस भी साफ कर दिया, कुछ अंधेरा सा दिख रहा है, थोड़ा सा बर्तन था वो भी धुल लिया है। तो अभी मैं चलती हूँ बाहर, बैठती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। और ब्लॉग मैंने बन स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए हमारा दुकान दोस्तों, पीछे कपड़े लगे हुए हैं और सामने मंदिर है। मंदिर हम लोग पैक कराने के लिए सोच रहे थे, लेकिन जब पैक करा रहे थे तो मंदिर का लुक जो है अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा अंधेरा हो जा रहा था और दुकान जो है ढक जा रहा था, इसीलिए मैंने मंदिर का एरिया जो है ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से कपड़े लगे हुए हैं दोस्तों। और वहाँ पे देखिए शिवा बैठा हुआ है ज्वेलरी शॉप वाले दुकान पे। तो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बैठती हूँ और वहाँ पे शिवा बैठता है, दोनों लोग मतलब यहाँ वहाँ बैठते हैं, हस्बैंड जी भी बैठते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों नहीं आप लोगों को समय दे पा रही हूँ। न्यू दुकान है ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और बहुत जल्दी दोस्तों मैं भी आप लोगों के बीच एक अच्छा सा चीज़ लेकर आऊँगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, जैसे ही मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी, आप लोग जुड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा। तो लाइक करिएगा, न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली व्हाट्सएप में शेयर भी करिएगा। अचार मैं बना रही हूँ दोस्तों। धनिया मिर्चा लहसुन अजवाइन ये सब मैंने पहले ही भूज लिया था, उसके बाद इसको सिल पर पीस लूँगी। और हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको भी पीस लूँगी। और इसका अचार जो है बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। और इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, मतलब एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, डेली यूज के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। दाल चावल के साथ में आप खाइए, चटनी जैसा लगता है। तो ये अचार मैं बराबर बनाती रहती हूँ और इस सीज़न में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि इस सीज़न में नींबू भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, थोड़ा बड़ा बड़ा संतरे जैसा जो नींबू आती है ना, तो उसमें रस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इस अचार को बनाने में बहुत झंझट नहीं रहता है, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो मिर्च को मैंने पीस लिया है, अब मैं इसमें जो मसाला तैयार किया था वो डाल दूँगी, सरसों का तेल डालूँगी
और ये जो नींबू है इसका पूरा रस निकाल करके डाल दूंगी। और इसको 1 से 2 धूप आप दिखा देते हैं तो ये मतलब उतना और अच्छा लगेगा, इसका स्वाद और भी अच्छा आ जाता है और इसमें मतलब हर नींबू का जो रस होता है अच्छे से भीन जाता है। तो यहाँ पे मैं नींबू जो है निचोड़ करके इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा नींबू ज़्यादा ही डालो तो इसमें सारा नींबू का मसाले में नींबू मिर्ची सब अच्छे से मिलती है तो अच्छी लगती है। तो इसका अचार मैंने बहुत बार यूट्यूब पर शेयर किया है आप लोगों के साथ में, डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और रख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको फुल नहीं आप लोगों को दिखाया है। अचार को मैंने साच करके रख दिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी और अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में ही लगी रहती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता है दोस्तों। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि न्यू दुकान की वजह से मुझे वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं अपना काम झटपट ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी और आप लोग जुड़े रहिएगा दोस्तों। और इस समय थोड़ा ब्लॉग लेट लेट में जा रहा है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। क्या करूँ, कोई रूटीन ही नहीं रह गया है इस समय, कोई रूटीन ही नहीं रह गया है, कब क्या करूँ कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। और मेरा जो है मन यूट्यूब में लगे रहता है कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया नहीं किया, तो आप लोग समझ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए झाड़ू यहाँ पे मैंने लगा दिया है, अब मैं ये सारा कचरा जो है उठा लूँगी और इसको बाहर फेंक दूँगी। तो दोस्तों सारा काम हो चुका है, अब मैं चलती हूँ अपना बाल थोड़ा सा बना लेती हूँ। और किचन का मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है और अभी बच चुके हैं 10:30। अब मैं तैयार होंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाइएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी ब्लॉग आप लोगों के बीच लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।